3D ब्लेंडर सॉफ्टवेयर में आज हम बनाने वाले हैं कॉफ़ी या टी के लिए कप, और साथ ही साथ जो कप हम बनाएंगे उसके ऊपर एक इमेज को लेकर हम टेस्ट करेंगे ताकि वो इमेज लोगों के रूप में कप के ऊपर बेहतर दिखे और जो कप हमारा बने वो प्रोफेशनल लगे। तो यहाँ से हम जाते हैं फाइल में और यहाँ पे हम करते हैं न्यू और जनरल, और इस क्यूब को राइट क्लिक करके हम कर देते हैं डिलीट। यहाँ से आपको ऐड पर क्लिक करना है मैस, और यहाँ से हम ले लेंगे एक सर्कल। सर्कल लेने के बाद टेब दबा के इसके एडिट मोड में जाते हैं और ई और जेड प्रेस करके इसको कर लेते हैं जेड एक्सेस में एक्सट्रूड, थोड़ा यहाँ तक कर ले आप। फिर आपको आना है नीचे जो वर्टेक्स डॉट के रूप में आपको दिख रही है इनको सिलेक्ट करना है सभी को, और ई और एस प्रेस करके हम स्केल और एक्सट्रूड इनको साथ साथ करते जाएंगे वापस से ई और एस, इस तरह से आप इसको करते जाएँ। और लास्ट में जो हिस्सा बचे उसके लिए आप एफ प्रेस करें ताकि बचा हुआ हिस्सा फिल हो जाए। अब हम इसमें मॉडिफायर अप्लाई करेंगे, इसमें हम करेंगे सॉलिडिफाई। सॉलिडिफाई मॉडिफायर डाल दिया। अब इसके जो थिकनेस है इसको हम कर देंगे 0.5 तक। ओके, एक और मॉडिफायर इसमें हम डालने वाले हैं। अब हम इसमें डालेंगे सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर, सब डिवीजन सरफेस, और इसका जो इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से 1, और जिसका जो लेवल पॉइंट है उसको हम कर देंगे 2। ठीक है, अब आते हैं इसके ऑब्जेक्ट मोड में, और जो आपने सॉलिडिफाई इसमें डाला है उसको हम कर देंगे अप्लाई। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपको इसको कर देना सेट स्मूथ। वापस इसके एडिट मोड में आते हैं और यहाँ से इसमें हम डालेंगे लूप कट। एक लूप कट डालेंगे इसके टॉप में यहाँ तक, और एक सेम लूप कट डालेंगे इसके बॉटम में यहाँ तक, ठीक रहेगा। ओके, ये काम करने के बाद यहाँ से मैं फेसेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मोटर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इनमें से आपको 3 प्रेस करके हम आते हैं इसके राइट ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ में, और शिफ्ट को होल्ड करके हम एक ये फेस और ये फेस, इन दोनों फेस को सिलेक्ट कर लेंगे। 1 प्रेस करेंगे ताकि इसके फ्रंट व्यू में हम आ जाएं, और ए प्रेस करके इन सिलेक्ट फेस को हम कर लेंगे एक्सट्रूड यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद वापस से आपको शिफ्ट होल्ड करके एक ये वाला फेस और सेम इसके जस्ट इसके बेक वाला फेस, इन दोनों को शिफ्ट होल्ड करके हम सिलेक्ट कर लेंगे। दोनों फेस को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ हम प्रेस करेंगे ई और एस ताकि इसको हम एक्सट्रूड कर सकें। थोड़ा सा आपको यहाँ तक इसको एक्सट्रूड करना है। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इसको कर देंगे हम ब्रिज फेसेस। एस प्रेस करके इसके साइज को हम इस जो हम कप को जो हैंडल बना रहे हैं उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जी प्रेस करके इसको थोड़ा इधर उधर ले लेंगे हम यहाँ तक, ठीक रहेगा। ठीक है, अब जो कप बना है आपका उसको आप और भी अगर छोटा बड़ा कुछ करना चाहें तो इन फेसेस को आप सिलेक्ट करके इनको जो है थोड़ा ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से इनको कर सकते हैं। जैसे ये वाला फेस शिफ्ट होल्ड करके ये फेस दोनों को सिलेक्ट किया मैंने, इनको आप मोटा करना चाहे तो, और सेम काम इसको सिलेक्ट किया मैंने और इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसे भी हमने थोड़ा सा नीचे की ओर लिया। अब इसमें और लूप कट आप इसके हैंडल को थोड़ा ठीक बनाने के लिए आप इसमें डाल सकते हैं अपने हिसाब से। तो एक लूप कट में कंट्रोल जेड एक लूप कट डाल देता हूँ यहाँ पर। इसको मोडल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो लगभग हमारा जो कप है वो तो तैयार हो चुका है। इसके आ जाते हैं हम ऑब्जेक्ट मोड में। अब इसमें वापस इसके एडिट मोड में जाते हैं हम, और इसमें एक मटेरियल ऐड कर देते हैं। तो यहाँ सबको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे और इस मटेरियल को हम एक नाम दे देते हैं, यहाँ नाम दे देता हूँ मैं टी, इसको दे देते हैं टी कप मटेरियल। ठीक है, और यहाँ से जो इसका जो कलर है वो हम वाइट कलर ही रहने देते हैं, अच्छा रहेगा, और इसको कर लेंगे हम यहाँ से असाइन। ठीक है, आप यहाँ से हम आ जाते हैं इसकी जो मटेरियल प्रीव्यू है इसमें क्लिक कर लेंगे और आते हैं इसके ऑब्जेक्ट मोड में। अब यहाँ से हम लेते हैं एक प्लेन, एड पे क्लिक करना मैस पे, और हम ले लेते हैं इसमें एक प्लेन और एस प्रेस करके इसको कर लेते हैं हम बड़ा। इस कप को सिलेक्ट करना है नीचे से आपको, और मूव टूल ले लेंगे यहाँ से, और इस कप को थोड़ा ले लेंगे हम ऊपर, बस यहाँ तक ठीक रहेगा। अब वापस से इस प्लेन को सिलेक्ट करना है और यहाँ से हम जाते हैं इसके सेटिंग में। अब इसमें सेटिंग में हम इसलिए जा रहे हैं ताकि यहाँ पर एक इमेज को इस टेक्सचर के रूप में हम इस प्लेन में डाल देंगे ताकि जो कप है हमारा वो उसका बैकग्राउंड अलग दिखे। तो ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ से टेक्सचर जो भी आप कोई गूगल से या कहीं से आपने डाउनलोड किया हो वो टेक्सचर इसमें आप डाल सकते हैं। सॉरी कुछ गलत ले लिया मैंने, इसको कर देता हूँ मैं डिलीट, और यहाँ पर ऐड पर जाना है और टेक्सचर, और यहाँ पे ले लेंगे इमेज, सॉरी मैजिक टेक्सचर नहीं, इमेज टेक्सचर आपको लेना है। यहाँ मैं ले लेता हूँ इमेज टेक्सचर, और यहाँ से ओपन करेंगे जहाँ भी आपकी इमेज जो आपने डाउनलोड करी
उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। मैं डाल देता हूँ ये वाली इमेज, कलर को मिला देंगे हम बेस कलर से, और जो ये फ्लैट है इसको आप कर लेंगे बॉक्स। फ्लैट पर क्लिक किया, यहाँ पर कर देंगे हम बॉक्स। ठीक, वापस हम आ जाते हैं इसके लेआउट में, और अब हम ठीक है, अब जो हमारा प्लेन भी ग्रेड हो गया, कप भी ग्रेड हो गया, अब इसके ऊपर हम लगाते हैं लोगो। तो उसके पहले आपको एक काम करना होगा, यहाँ आप एडिट मोड में जाएं, प्रेफरेंस पे क्लिक करें, और यहाँ पहले आप चेक कर लें आपका ऑटो सेव प्रेफरेंस ऑन होना चाहिए, और फिर यहाँ आप सर्च करें इमेज। इमेज सर्च करेंगे आपका, तो आपको देखिए ये दिखेगा आपको, एक मिनट, इमेज आप जब सर्च करेंगे तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इमेज 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 एस प्लेन्स, तो ये हमेशा आपका ऑन होना चाहिए, ये ऑन होगा तभी आप आगे का काम कर पाएंगे। तो अब वापस हम आते हैं ऐड मोड में, और यहाँ ऐड मोड में आने के बाद यहाँ आपको इमेज पर क्लिक करने के बाद जो इमेज एस प्लेन है उस पर हम क्लिक करेंगे, और कोई भी इमेज जो लोगों के रूप में आप चिपकाना चाहते हैं अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। अगर आपकी इमेज अगर PNG है तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ पर मैं ये ब्लेंडर वाला ही इसके ऊपर लगा देता हूँ, इसको ले लेता हूँ मैं जो इमेज है हमारी, इसको ऊपर मॉडल की सहायता से इसको लिया मैंने ऊपर, और इसको ले आते हैं हम थोड़ा बाहर। तो इसको करते हैं हम रोटेट, R प्रेस किया और Z प्रेस करेंगे हम, और यहाँ पर कर देंगे 90 प्रेस, तो ये हो जाएगा इसके ऊपर बिल्कुल परफेक्ट आ गया। इसको ले लेंगे हम थोड़ा पीछे, यहाँ तक ठीक रहेगा, थोड़ा और ले लेंगे पीछे, ओके, तो थोड़ा सा आगे ले लेते हैं। अगर आप चाहें तो एस प्रेस करके इसके साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब आपको इसको सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर इसमें एक मॉडिफायर अप्लाई करना है, सब डिविज़न सरफेस, और इसको जो लेवल फाइंड है वो कर देंगे हम लगभग 4 तक, ये भी रेंडर भी हम कर देंगे 4, और इसको कर देंगे हम सिंपल। यहाँ से इसको बंद कर लेता हूँ। वापस एक मॉडिफायर अप्लाई करेंगे हम इसमें श्रिंक ब्रेप का, और जिसमें टारगेट है उसके ऊपर आप जो एक पेंसिल जैसा आ रहा है इसको सिलेक्ट करके आप इस कप के ऊपर क्लिक कर दें, ताकि इसका जो टारगेट है वो कप बन जाएगा। और जो यहाँ पर ऑफसेट है, ऑफसेट को हम कर देंगे, बढ़ाएंगे तो जो हमारा जो अंदर तक चला गया जो इमेज वो बाहर आ जाएगा। इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपको कर देना है इसको सैड स्मूथ, और इसमें जो ब्रेप है इसको हम कर देंगे टारगेट नॉर्मल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसको एस दबा कर हम थोड़ा इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये इमेज के रूप में इसके ऊपर बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। इसको मैं रेंडर भी में क्लिक कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिखे। तो इस तरह से हमारा जो है कप तो बन गया है। अब इसकी जो लाइट है उसको भी हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा और प्रोफेशनल लगे। तो लाइट को क्लिक किया, और यहाँ से इस लाइट के कलर को हम कर लेते हैं थोड़ा येलो टाइप का, और अगर आप इसके पावर को बढ़ाना चाहें, अभी 1000 वोल्टेज है तो इसको हम कर लेते हैं 2000 वोल्टेज तक, तो ये थोड़ा और बढ़ जाएगा। अब इसमें आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है, यदि आप इस कप को सिलेक्ट करेंगे इसको जी प्रेस कर इसको मूव करेंगे तो ये लोगो इसके साथ जो है मूव नहीं होगा। तो इस लोगो को भी साथ में मूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आप इस इमेज को सिलेक्ट करें और फिर शिफ्ट होल्ड करके इस कप को सिलेक्ट करें, फिर आपको करना है Ctrl+P और इसको ऑब्जेक्ट कर दें। ऑब्जेक्ट करने के बाद यदि आप इस कप को मूव करेंगे तो साथ में आपका ये इमेज भी मूव होगी। तो इस तरह से आप एक अच्छा सा कप बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी अगर आप ब्लेंडर में काम करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।